नमस्ते बच्चों, अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 सरनाम। एक बार फिर इसको रिवाइंड कर देते हैं। लेसन नंबर कौन सा पढ़ रहे थे? 4 पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? सरनाम के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ चुके थे अपन इसमें? सरनाम की डेफिनेशन। क्या पढ़ चुके थे? सरनाम की डेफिनेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, क्या होता है सरनाम? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। ठीक है, किसका होता है? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उनको अपन क्या कहते हैं? सरनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं, तुम, वे, उसका, मेरा आदि। ठीक है, गोपाल एक अच्छा लड़का है, तो हमने क्या पढ़ा था कि गोपाल अच्छा लड़का है, गोपाल प्रतिदिन नहाता है, गोपाल प्रतिदिन खाना खाता है, ठीक है, प्रतिदिन घूमने जाता है, गोपाल विद्यालय जाता था। अगर बार बार अपन किसी वर्ड का रिपीटेशन करते हैं तो उसकी जगह अपन क्या करते हैं? उसको एक वर्ड में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक वर्ड में उसको लिखते हैं। ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक है, जैसे गोपाल अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन नहाता है, वह प्रतिदिन खाना खाता है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह प्रतिदिन प्रातःकाल भ्रमण को जाता है। ठीक है, ये क्या हुआ? सर्वनाम। वह क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम के प्रकार अपन पढ़ रहे थे। किसको बोलते हैं सर्वनाम के प्रकार? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, कितने प्रकार का होता है सर्वनाम? सर्वनाम के 7 प्रकार होते हैं, सॉरी। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? 7 प्रकार होते हैं। फर्स्ट पढ़ रहे थे अपन पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक जिन सर्वनाम शब्दों में किसी व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, किसका? किसी उस व्यक्ति का बोध होता है जो क्या हो? मैं, तुम, हम, वे, उसका, मेरा, हमारा आदि। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जब बात की जा रही है तो उसको बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम आपके कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में। कितने? 3 भागों में। फर्स्ट है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम में शब्द का प्रयोग बोलने वाला क्या करता है? खुद के लिए करता है। ठीक है, जिसमें अपन जो वक्ता है वो खुद के लिए डिफाइन करता है। ठीक है, वक्ता जो बोल रहा है वह व्यक्ति क्या करता है? अपने लिए बोलता है। ठीक है, जैसे मैं, हम, तुम, ठीक है, आदि। ठीक है, यह मेरा घर है, तो कहने वाला किसके लिए कह रहा है? कि यह मेरा घर है, तो अपने लिए कह रहा है। किसके लिए कह रहा है? अपने लिए कह रहा है। ठीक है, यह हमारा घर है, तो जो कह रहा है वो किसके लिए कह रहा है? स्वयं के लिए कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष आता है आपका सुनने वाले के लिए। ठीक है, जो आपका व्यक्ति सुन रहा है उसके लिए आपका आता है। ठीक है, जैसे यह उसका घर है। ठीक है, तो उसका क्या हुआ? जो वहां उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष में क्या हुआ? जो श्रोता है। ठीक है, श्रोता मतलब जो सुन रहा है। ठीक है, जिसके बारे में कहा जा रहा है वो वहां पे क्या है? उपस्थित होना चाहिए। जैसे बोलने वाला और सुनने वाला व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मध्यम पुरुष। उसे मध्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आपका। यह अगर अगर मेरा बोलते हैं तो क्या है? ये अपना प्रथम पुरुष है। ये अगर तुम्हारा घर है तो ये मध्यम पुरुष है। अन्य पुरुष जिस व्यक्ति के बारे में बात नहीं कही जा रही हो, जैसे वे सर्वनाम शब्द जो बोलने तथा सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य किसी तीसरे व्यक्ति को बताते हो, ठीक है, जैसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, कोई, उसका, आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते। ठीक है, जब सर्वनाम का पढ़ा जाता है, बोला जाता है, तो हमको पता होता है कि किसी व्यक्ति या निश्चित व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, जैसे वह पुस्तक पढ़ रही, तो वह सिस्टर भी हो सकती है, आपकी भाई भी हो सकता है, सॉरी आपकी मम्मी भी हो सकती है। ठीक है, आपकी क्लासमेट भी हो सकती है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसके बारे में कहा जा रहा है, बात की उसके बारे में आप, सॉरी, उसके बारे में आप पहचानते नहीं हो, ठीक है, या आपको पता नहीं है। जिन सर्वनाम शब्दों में से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ कोई नहीं आया, ठीक है, पानी में कुछ गिरा, यहाँ कोई नहीं आया मतलब कोई नहीं आया, हमको पता ही नहीं है कोई आया या नहीं आया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पानी में कुछ पड़ा है, पानी में क्या गिरा हुआ है इसके बारे में कोई निश्चित नहीं है, कोई और कुछ यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का किन्हीं संज्ञा सर्वनाम शब्दों से संबंध बताता हूं, ठीक है, दो वाक्यों या उपवाक्यों के बीच को जोड़ता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो कठिन परिश्रम करता है वह सफल होता है। इस वाक्य में जो और वह क्या है? एक व्यक्ति से संबंधित है, इसलिए ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगर तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, तो अगर हो तो क्या है?
किसके लिए है? एक व्यक्ति विशेष के लिए है, तो संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी प्रश्न का बोध हो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह पुस्तक किसकी है, कमरे में कौन सो रहा है, थैले में क्या रखा है, इन वाक्यों में किसकी, कौन और क्या शब्दों का प्रश्न का बोध होता है, अतः यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर्ता द्वारा स्वयं के लिए किया जाता है, ठीक है, वह निजवाचक। मतलब अगर कर्ता ये कहता है कि वो काम खुद के लिए, अगर कोई व्यक्ति वस्तु मतलब अपने बारे में बात करता है तो वो क्या कहलाती है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। मैं स्वयं दुकान पर बैठता हूँ, तुम खाना अपने आप क्यों बनाते हो, इन वाक्यों में अपना, स्वयं, अपने आप शब्द क्या है, स्वयं वाचक, मतलब निजता को बताता है, मतलब स्वयं के लिए बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है कि वह स्वयं कार्य कर रहा है, वह स्वयं खाना खा रहा है, निज मतलब स्वयं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिसमें क्या होता है, संकेत के माध्यम से बताया जाता है। ठीक है, संकेत मतलब जिसमें व्यक्ति वस्तु के बारे में क्या किया जा रहा है, संकेत किया जाए। ठीक है, वे सर्वनाम संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो क्या संकेत किया जा रहा है कि पुस्तक किसकी है, उसकी है। इन वाक्यों में यह शब्द पुस्तक की ओर और वे शब्द आमों की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, वे आम मीठे हैं, इन वाक्यों में यह और वह क्या है, किसके लिए आ रहा है, संकेत बता रहा है। ठीक है, तो आपका जो सर्वनाम का जो चैप्टर है वो समाप्त हुआ। ठीक है बच्चों, एक बार फिर रिमाइंड कर देते हैं इसी के साथ। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का उपयोग होता है उसको अपन क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वे, उसका, मेरा आदि। ठीक है, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है, गोपाल, गोपाल के माध्यम से क्या पता है, गोपाल अच्छा लड़का है, गोपाल प्रतिदिन नहाता है, गोपाल प्रतिदिन घूमने जाता है, गोपाल प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो गोपाल शब्द क्या क्या हो रहा है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है, बार बार किसी चीज का रिपीट होता तो अच्छा नहीं लगता, तो उसकी जगह क्या प्रयोग किया है इन्होंने, सर्वनाम का प्रयोग किया है। ठीक है, सर्वनाम क्या है, वह प्रातःकाल, गोपाल अच्छा लड़का है, एक बार उसके नाम का यूज कर दिया। आप भी स्कूल में करते हो ना बच्चों का यूज, वह मेरा मित्र है, यह मेरा साथी है, यह अच्छा लड़का है। ठीक है, तो बार बार ऐसे थोड़ी बोलते हैं राम अच्छा है या श्वेता अच्छी है, उसको यह मेरी दोस्त है, वह मेरे साथ खाना खाता, तो यह वह आदि क्या हुए, सर्वनाम हुए। ठीक है, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं आपके, सात प्रकार होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका पुरुषवाचक सर्वनाम था, जिनमें मैं, तुम, हम, वे, उसका, मेरा, व्यक्ति विशेष का बोध करता है। ठीक है, जब व्यक्ति के लिए अपन जो सर्वनाम यूज करते हैं वो सारे क्या होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। फर्स्ट आपका उत्तम पुरुषवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके लिए होता है, स्वयं के लिए होता है। ठीक है, स्वयं मतलब निजवाचक में भी अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन उत्तम पुरुषवाचक में जब आप अपनी बात करते हैं, ठीक है, जब प्रयोग बोलने वाला करता है तो उसको क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। मतलब बोल वाक्य जो बोल रहा है वही अपने लिए प्रयोग करता है। ठीक है, यह मेरी पुस्तक है, तो मेरी क्या है, स्वयं के लिए। यह मेरा घर है, मुझे खाना अच्छा लगता है, तो ये सब क्या है आपके, उत्तम पुरुषवाचक। मतलब वक्ता किसके लिए, वक्ता मतलब जो बोलने वाला बात किसकी कर रहा है, खुद की कर रहा है। ठीक है, जो सर्वनाम यूज में आ रहे हैं वो किसके लिए आ रहे हैं, स्वयं के लिए आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष सर्वनाम मतलब जिसमें सर्वनाम किसके लिए यूज आते हैं, श्रोता के लिए। श्रोता मतलब सुनने वाला। ठीक है, श्रोता कौन होता है, सुनने वाला। ठीक है, श्रोता किसके लिए होता है, सुनने वाले के लिए। जैसे यह तुम्हारा घर है, आप इधर आइए, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तो बात किसको सुनाई जा रही ना, अगर आपको, आप बात कर नहीं रहे हो, आप किसको कह रहे हो। ठीक है, तो सामने वाला आपकी बात को सुन रहा है, तो वो मध्यम पुरुष है। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम है जिसमें बोलने तथा सुनने वाला क्या कर रहा है, सामने वाले उस समय वहां पे मौजूद नहीं है। ठीक है, जो बात कर रहे हैं दो जने, उस किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे वह तो बहुत अच्छा लड़का है, अरे वे कहाँ गए, कोई आया है, उसका क्या नाम है, तो अपन जो बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या बोल रहा है कि उसका क्या नाम है। ठीक है, एक ने कहा उसका क्या नाम है, सुनने वाला सुन रहा है, लेकिन किसके बारे में बात की जा रही, थर्ड पर्सन के बारे में, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही। ठीक है, सेकेंड है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम।
जहाँ पर बात करने वाला या जिसके बारे में बात की जा रही वो निश्चित है किस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोध कराती है, ठीक है, किसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहलाता है, जो जिसके बारे में बात की जा रही है व्यक्ति विशेष वस्तु के बारे में तो वो निश्चित है, ठीक है। जैसे वह पढ़ रही है, यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पे यह और वह क्या है, निश्चित है, ठीक है, कि किसी व्यक्ति वस्तु व्यक्ति के लिए बात कही जा रही, ठीक है। कहने वाला भी श्योर है और सुनने वाला भी श्योर है कि किसके लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई नहीं आया, ठीक है, तो मतलब अपने को पता ही नहीं कोई आया या नहीं आया, पानी में कुछ गिरा है, ठीक है। इसके अलावा भी अपन कह सकते हैं कि मुझे पता नहीं कौन आया, ठीक है, तो मुझे पता नहीं मतलब शायद बारिश होगी, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम में संज्ञा सर्वनाम से क्या बताते हैं, संबंध बताते, क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं। जैसे जो कठिन परिश्रम करेगा वो सफल होगा, ठीक है, अगर तुम आते तो ट्रेन पकड़ लेते, तो दो वाक्यों के बीच में क्या हो रहा है, संबंध बता रहा है, तो ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों में क्या होता है, प्रश्न किया जाता है, ठीक है, क्या किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह किसकी पुस्तक है, कमरे में कौन सो रहा है, थैले में क्या रखा है, इन वाक्यों में किसकी, कौन और क्या शब्द क्या है, प्रश्नवाचक है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निजवाचक सर्वनाम, निज मतलब जो स्वयं के लिए बात करता है, ठीक है, स्वयं निज मतलब स्वयं के लिए, मैं स्वयं दुकान पर बैठता हूँ, मैं स्वयं खाना पकाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर बात किसकी हो रही, स्वयं की हो रही, ठीक है, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट आता है आपका संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिसमें क्या होता है, जिसकी ओर काम हो रहा है उसका संकेत किया जाता है, ठीक है, अपने काम की तरफ या अपने किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ क्या किया जा रहा है, संकेत के माध्यम से बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो पुस्तक किसकी, मेरी है, ठीक है, तो मेरा पुस्तक से किस ओर मैं बता रही, यह पुस्तक मतलब अगर इशारा देखिए, तो वे आम मीठे हैं, तो किस तरफ इशारा किया जा रहा है, कि वे जो आम कुर्सी या टेबल पर पड़े हुए हैं या फिर मेज पे पड़े हुए, वो क्या है, मीठे। तो यहाँ पे संकेत के माध्यम से क्या बताया जा रहा है, कि यह मेरा घर है, यह पुस्तक मेरी है, यह आम मीठे हैं, यह और वह, यहाँ पे क्या है, संकेत है, मतलब इशारे के माध्यम से या संकेत के माध्यम से बताया जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका चैप्टर सर्वनाम का कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्लास में इसका जो क्वेश्चन आंसर वो अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है, थैंक यू।